हेलो फिर से हम आ गए एक और वीडियो में। और सबसे पहले तुम्हारे लिए एक अनाउंसमेंट। तो जिसे भी 15 सेकंड बाद नशे देखने का आता है, मतलब वो यूट्यूब शॉर्ट्स, तो वो हमारा एक चैनल है, नया चैनल गेम है हार्ट बीट शॉर्ट्स, उसे जाकर जरूर देखो एक बार। मतलब मैं कह रहा कि भाई सब्सक्राइब करो करो ऐसा, लेकिन एक बार देख लो यार उस पर, क्योंकि क्या है जो अपने मेन गेम प्ले होते हैं ना भाई, जिन पर नहीं देखे जाते हैं 15 मिनट के, 5 मिनट के, ठीक है नहीं है उनका इतना स्टेमिना कि वो इतनी देर बैठ सकें, इतनी देर देख सकें, उनका कष्ट होता है सर इतना लंबी वीडियो देखने में। तो कोई बात नहीं, उन्हीं के लिए लाए हैं हम गेमर हार्टबीट शॉर्ट। तो 15-15 सेकंड वाले जो मतलब बढ़िया बढ़िया बकचोदी वाले पार्ट रहते हैं वो सब हम काट काट के डाल दे करेंगे, और काफ़ी बढ़िया वीडियो रहेंगी उसमें। तो एक बार देखना, जो लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और जो वीडियो के अगर तुम एंड तक देख पाओ तो वीडियो के एंड स्क्रीन में भी तुम्हें उसका वो लोगो सा मिल जाएगा गेमर हार्टबीट शॉर्ट का, तो देख लो जाके। और अगर आज की बात करें तो हम फिर से आ चुके हैं बुली गेम में। और भाई लोग पिछले वाली वीडियो में हम इस स्कूल में आए थे, इसका नाम है बुलवर्थ एकेडमी, और ये जो शहर का सबसे टफेस्ट स्कूल है, मतलब यहाँ के जो शहर के क्या दुनिया भर के सबसे बकचोद लौंडे हैं ना वो यहाँ पे हैं। और लौंडों के बकचोदी देख देख के मास्टर प्रिंसिपल भाई सब बकचोद हो गए, प्रिंसिपल तो इतना बकचोद हो गया साला, भाई लोगों की नाक साफ करने का हिल्ला शुरू कर दिया उसने। तो पिछले वाली वीडियो में हम इस स्कूल में आए थे और हमारी प्रिंसिपल से बातचीत हुई थी, और प्रिंसिपल ने हमें हमारे बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि भाई तुम पिछले स्कूल में ऐसे थे वैसे थे, लड़ाई झगड़े करते थे, हरकतें करते थे, बकचोद थे एक नंबर के। और उसने कहा कि भाई तुम यहाँ पे एकदम शांतिपूर्वक रहना। तो भैया हम जब तो हाँ कह गए आ ही गए, लेकिन कितना शांतिपूर्वक रहेंगे तो इससे थोड़े दिन में पता लग ही जाएगा। खैर उसके बाद हम अपने बॉयज़ डॉर्म की तरफ चले थे, क्योंकि हम यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, बोर्डिंग में रहते हैं हम यहाँ पे। तो वहाँ पे भाई हम जैसे ही पहुँचे भाई लौंडे मारे से मतलब ही लड़ने लग गए भाई। हमने एक को तो भाई मतलब टाइटेनियम का था वो बंदा, ठीक है टूट नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसे फोड़ ही दिया फाइनली। लेकिन भाई सुमो पहलवान का छोटा लंड रसल वो भाई बेमतलब ही हमारे ऊपर चढ़ने लग गया, ठीक है एकदम हमारे पीछे को भागा, लेकिन तभी परफेक्ट आ गया। मैं सोचा था वो मास्टर है, लेकिन बाद में पता लगा कि वो परफेक्ट है, ठीक है हाँ प्रीफेक्ट। और भाई उसने हमें रसल से बचा लिया। फिर भाई हमें मिला एक लौंडा गैरी। अब भाई गैरी का कुछ अलग ही विचार है, वो इस स्कूल को टेक ओवर करना चाहता है। क्या मतलब सही है, इतना इतने सारे बालक हैं, पैसा खूब आएगा अगर उसने टेक ओवर कर लिया तो। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाती, जो स्कूल का मालिक है उससे वो प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करवाएगा। खैर जैसे भी टेक ओवर करे तो उसके लिए उसे हमारी जरूरत है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत मसले मसले करते रहते हैं, तो अगर कहीं लड़ाई झगड़े की बात हुई तो हमारी उसे जरूरत पड़ेगी। तो खैर काफ़ी ज़्यादा चिपक रहा था हमारे से, लेकिन उसके बाद हमें लगा कि चलो यार कुछ इससे तो कुछ भी सही, हमें यहाँ पे दोस्तों की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बकचोद लौंडे हैं यहाँ पे शहर के, ठीक है। तो फिर हम उसके साथ स्कूल में घूम फिर रहे थे, तभी रसल ने आके हमारे से प्रोटेक्शन फीस मांगना शुरू कर दिया। सही बता रहा यार, मैं उसके गांड पे तो लात देने का जी कर रहा था, लेकिन क्या करें देनी पड़ी, कोई और ऑप्शन ही नहीं था गेम में। लेकिन उसके बदले हमने उसकी सेफ मार ली, और फिर हम मिले रसल की बहन से। मैं सही बता रहा हूँ, वो लौंडिया देखने में बिल्कुल रसल की बहन लगती है, अगर भविष्य में जाके उनका भाई बहन का रिलेशन निकलता तो मुझे 0% भी हैरानी नहीं होगी, सही बता रहा हूँ। उसकी कोई चॉकलेट लेके भाग गया था, अब हो सकता है वो उसके पीछे भाग ना पा रही हो, नहीं तो डाइटिंग वाइटिंग करके पतली हो जाएगी, फिर लोग कैसे कहेंगे रसल की बहन है। तो उसने हमें भेजा चॉकलेट लेने, और बदले में भाई उसने हमें जब ऐसे पकड़ा ना, सही बता रहा हूँ, 4 पसली टूट चुकी थी बंदे की ऐसे ऐसे पकड़ने में। इस सब के बाद हमें गैरी ने इस स्कूल के बारे में बताया कैसे कैसे लौंडे यहाँ पे, क्या क्या सीन है, और हमें किससे पंगा लेना चाहिए किससे नहीं लेना चाहिए, कौन खतरनाक है कौन खतरनाक नहीं है। और फाइनली हम एक और लौंडे से मिले जो गैरी के साथ है, वो स्कूल का सबसे चूचा लौंडा है, मुझे नहीं पता गैरी उसे अपने साथ क्यों रखे हुए है, हो सकता है उसका बाप वकील हो और वो स्कूल के फर्जी कागज बनवाने में मदद करे उसकी, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में कि उसे गैरी ने क्यों रखा हुआ है अपने साथ। लेकिन अभी बढ़ते हैं आगे। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा चेंज सीन सा चल रहा है, वो तेज भागना भाई निकल जाएगा तो आगे वो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊँ हुआ क्या था, मैं इसके पीछे भाग क्यों रहा था इसे। तो सबसे पहले मेरे पास प्रिंसिपल आया था, तो वो कहता ना कि तुम यहाँ पे काफ़ी खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, हमने कहा हाँ भाई कर तो रहे हैं थोड़ा बहुत। तो उसने कहा हाँ मतलब लड़ाई झगड़े करके और दंगाबाजी करके, हमने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और उसने कहा कि ये जो है एक बड़ी शांत जगह है, यहाँ पे दंगेबाजी होता ही नहीं, ठीक है। हमने कही कि भैया हमें भी पता कितनी शांत जगह है, ठीक है यहाँ सब खूब दंगेबाजी भरे पड़े सारे के सारे लड़ाई झगड़े करने वाले। तो उसने कही नहीं ये तो स्कूल में आम चीज़ होती है, ठीक है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं स्कूल में था तो हमारे टाइम पे तो नए लोंडों को टिकने भी नहीं देते स्कूल के अंदर। भाई तभी एक लोंडा आया और वो हमारे पत्थर मार के भागा गुलेल से, भाई हमारा दिमाग फट गया, मैंने कही इसकी बहन का छोड़े नहीं इसे बिल्कुल भी। तो भाई बस तभी से
हम उसके पीछे भागे थे, भगते भगते आगे पहले तो इसे पेल दिया, ये उसी का साथी था, लेकिन वो बंदा एग्जैक्टली अभी नहीं मिला मुझे। आगे एक लोंडा मिल गया था एक और, आके हमने इसे पेल दिया और शटर उठाते ही आ गया एक और लोंडा, इसे ही पेल देते हैं। उस बक्चौत की गांड मारनी है और हमें पेल पेल के उनके पैसे भी लिए जा रहे हैं। आ जा बेटा तू भी आ जा, हाँ दोनों को मारूंगा, छः के छः मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे ये हवा में कुछ जा रहे हैं सारे टाइम। अबे साले कुंफू मास्टर तेरी बहन का, कुंफू मास्टर बनना है, कुंफू मास्टर बनना बहुत चलो 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 ये ठिकाने लग गया। अरे बेटा इधर आ, इधर आ थोड़ा सा, हाँ तो जंगल की सैर कराता हूँ। क्यों भाई कैसी लगी आगे स्वाद? तो भाई हमने क्या कहा, गुलेट उठा ली और एक सेकंड, अच्छा ईट है, ईट ठीक है। ऐसे नहीं मार दी क्या साले तेरी, यार सीढ़ी तो पड़ी है यहाँ पर, उठा ही सकते क्या सर? ईट से मारना पड़ेगा सर। तुम जा कुछ और ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले हमारी हेल्थ जीरो कर है, हमें इसकी बजानी पड़ेगी। बैठ टपक गया, अब आ जाओ दो तीन गांठ टूट दूंगा। तो यार हमें क्या करते हैं, इसका हथियार मिल चुका है और अभी इसका हथियार इसी पर ट्राई करके देखते हैं सबसे पहले। तो भाई लोग अभी हमारे पास एक नया ऑप्शन आ चुका है गेम को सेव करने का। अरे इसकी गांड थोड़ा भाई परफेक्ट परफेक्ट कौन हो। तो हम क्या भाई यहाँ पे स्कूल में एक किताब रखी रहेगी, एक ऐसी किताब रखी रहेगी हमारे जो हॉस्टल रूम है उसके अंदर, तो उससे हम गेम को सेव कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। सेव्ड ऐसी है भाई ये किताब, इसमें भाई पूरी प्रोग्रेस वगैरह सेव होती रहेगी। तो जैसे कि भाई गेम क्या भाई बहुत ज़्यादा अनस्टेबल सा है, क्रैश होता रहता है, तो सही रहेगा थोड़ा सा सेव करके। तो भाई चल के भी कोई मिशन देखते हैं, क्योंकि क्लास तो हमारी खत्म हो चुकी है सारी की सारी, अभी मिशन करने का टाइम है। ये जो भाई इतना बैकग्राउंड नॉइस सुन रहे हो, सारा का सारा स्कूल का नॉइस है, कब से ज़्यादा रियल सा लगा है ऐसा, मतलब स्कूल का नॉइस है सब है। You know what, Petey? You were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Nothing. All I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools. That's all. Relax, James. Whoa. Don't lie, Petey. Don't you lie. Because you know what happens to liars? No, I'm not lying. We kick them in the balls! जो इसे करना चाहिए था वो इसने कर दिया। अंडे टूट चुके हैं गाइस इस डीली में, इस लोंडे की दोनों एफडी टूट चुकी हैं, ठीक है। यू एंड मी वी कैन डू थिंग्स, दिस इज समथिंग लाइक मिर्जापुर, आई लाइक इट। एफडी तोड़ दी बैच जिमी दिस वे। तो भाई मैं तुम्हें बताऊंगा अभी हुआ क्या था। तो हम आए थे भाई अपने हॉस्टल रूम में, तो हमें ये लोंडा मिला था, इसका नाम है गैरी, और ये क्या था स्कूल को टेक ओवर करने के लिए। नहीं मतलब टेक ओवर का मतलब क्या है, जब क्या कागज अपने नाम करवाने तुझे, खैर जो भी हो इसका मतलब। तो ये क्या था, हम सबको मिल गए थे स्कूलों के टेक ओवर करना चाहिए था, और वो जो सबसे चूतिया लोंडा था ना स्कूल का, वो हमें गाली बकता था बहुत सीढ़ी का। बस फिर क्या, हम भाई उसके ऊपर चढ़ रहे थे, उसे क्या कहते हैं उसमें बजाने वाले थे, तभी उसने कही कि भाई गैरी तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहा है, मतलब मेरे बारे में झूठ बोल रहा है कि मैंने तुम्हें चूत मतलब तुम्हारे उल्टा सीधा बोल रहा। तो बस गैरी ने उसकी दोनों एफडी तोड़ दी। खैर अभी हम जाते हैं गैरी के पीछे, देखते हैं भाई क्या सीन है, क्या कागज वागज अपने नाम करवाया, क्या बात करेगा भाई। तो भाई हमें क्या कहते हैं, ये जो बस है सामने खड़ी है, इसकी खिड़कियाँ तोड़नी है गुलेल से। तो भाई बड़ी बात तो नहीं है, सब फोड़ देंगे, ये फोड़ दी, ये फोड़ दी, ये किसी गांठ तोड़ दियो ऐसे वो भी तोड़ देंगे, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। कॉन्टेक्ट भी ऑन व्हाट्सएप नंबर है 9999228811 लोडा सन, और 24 घंटे अवेलेबल है।
किसी की गांड खिड़की लोड़ा रस्सू कुछ भी तोड़ना हो तोड़ देंगे, ठीक है। खैर अभी गेम पे ध्यान देते हैं। तो भाई अभी हम आ चुके हैं फुटबॉल फील्ड में और फाइनली एंड वेट फॉर फुटबॉल प्लेयर्स। अच्छा तो हमें भाई एक पेड़ पे छुपना है और फुटबॉल वाले प्लेयर्स का इंतजार करना है। पेड़ ये रहा, चढ़ू कैसे इस पर? एक सेकंड। ये भाई कुछ तकड़े बंदे हैं, इनसे फालतू पंगा ही लेना, ठीक है। अबे भाई क्या भाई बंदा था क्या पीछे जन्म में, इतने आराम से कौन चढ़ता है पेड़ पे? ठीक है भाई, तो अब हमें जो फुटबॉल खेलने वाले लोंडे हैं उनमें पत्थर भरने हैं। आ जा बेटा, बहुत पीछे भागा तो तेरी मारती बहुत थी। हाँ आ जा, तेरा गोल करता हूँ साले, तेरे गोल जगह को गोल नहीं छोड़ूंगा, रेक्टेंगल बना दूंगा साले। यस, अरे क्या भाई मूनवॉक कर रहा है? ये देखो टहनी बैठ के मूनवॉक, गांड से मूनवॉक। ओ भाई चलो भाई अब सोने चलते हैं मस्त। तो भाई लोग यार बस आज वाली वीडियो में इतना ही, मजा आया हो तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करो और गेमर हार्टबीट शॉर्ट को भी सब्सक्राइब करो अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो। हो सकता है तुम्हें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी 15 सेकंड वाली वीडियो में भी मज़ा आए, काफ़ी बढ़िया होने वाली है वैसे तो। गेमर हार्टबीट शॉर्ट को भी सब्सक्राइब करो और मिलेंगे अगली वीडियो में।